कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद आज हो सकता है पंजाब के नए सीएम का ऐलान। राज्यसभा सांसद अंबिका सोनी और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नाम पर चर्चा, सोनिया गांधी लेंगी अंतिम फैसला। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अंबिका सोनी को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया, लेकिन अंबिका इसके लिए तैयार नहीं। पंजाब में नए सीएम के लिए सुनील जाखड़ के नाम पर कई विधायकों ने जताया एतराज, नवजोत सिद्धू भी सुनील जाखड़ को सीएम बनाने के खिलाफ। कैप्टन अमरिंदर सिंह का खुला ऐलान, सीएम के चेहरे के तौर पर सिद्धू मंजूर नहीं। कहा सिद्धू एक बड़ी त्रासदी, वो एक मंत्रालय नहीं चला पाए तो सरकार कैसे चलाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया, कहा उनकी पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और जनरल बाजवा से दोस्ती, पंजाब के लिए विनाश साबित होंगे सिद्धू। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देकर बोले कैप्टन अमरिंदर, बार बार विधायकों की बैठक बुलाने से साफ था कि पार्टी हाईकमान मुझे भरोसा नहीं कर रहा है, मेरा अपमान हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा पार्टी को जिस पर भरोसा हो उसे सीएम बनाएं, भविष्य की राजनीति का विकल्प कभी बंद नहीं होता, अपने लोगों से बात करके फैसला करूंगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कैप्टन अमरिंदर सिंह को नसीहत दी, कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो, फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए देशहित में सोचना जरूरी। अमरिंदर के सीएम पद से इस्तीफे के बाद उनके मीडिया सलाहकार रवीन टुकराल ने भी इस्तीफा दिया, ट्वीट कर कहा एक दोस्त के रूप में कैप्टन के साथ काम करता रहूंगा। कैप्टन विरोधी कांग्रेस विधायक राजकुमार बेरका ने एबीपी न्यूज से कहा कांग्रेस के अंदर नई सुबह का आगाज, कैप्टन भले ही अपमानित महसूस कर रहे हो लेकिन कांग्रेस में ही रहेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का समर्थन किया, कहा वो एक बड़े नेता है, उन्हें सीएम पद से हटाना बड़ा नुकसान। अकाली दल ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कैप्टन के इस्तीफे ने यह बता दिया कि पंजाब में कांग्रेस फेल रही है, सिर्फ गार्ड बदलने से कांग्रेस अपने डूबते जहाज को नहीं बचा सकती। कैप्टन के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा बोले कांग्रेस की लड़ाई में जनता का नुकसान, ये सत्ता और कुर्सी की लड़ाई है, कांग्रेस और उनके नेताओं को पंजाब से मतलब नहीं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का अमरिंदर के बहाने सिद्धू पर वार, बोले सिद्धू के कांग्रेस में आते ही अमरिंदर का जाना तय हो गया था, जहां जहां पाव पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का सिद्धू पर निशाना, अमरिंदर के बयान का हवाला देते हुए कहा सिद्धू सीएम बनेंगे तो देश की सुरक्षा को खतरा है, सिद्धू को लेकर सोनिया से भी जवाब देने की मांग की। पंजाब में अमरिंदर के सीएम पद से इस्तीफे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला का तंज, कहा कांग्रेस नेता आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं तो बीजेपी से भला कैसे लड़ेंगे। राखी सावंत ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के सिद्धू से अपनी तुलना वाले बयान की निंदा की, गुस्सा जाहिर किया, एबीपी न्यूज से कहा सालों के संघर्ष के बाद मैंने अपना एक मुकाम बनाया, राघव अपने बयान के लिए माफी मांगी। सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर सीएम योगी ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, बोले 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, यूपी में अब कानून का राज, गांव गरीब के लिए काम कर रही है सरकार। सीएम योगी ने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंचा, विदेशी कंपनियां अब चीन की बजाय यूपी में निवेश कर रही है, 44 योजनाओं में यूपी नंबर वन। योगी सरकार के 4.5 साल पूरा होने के मौके पर उपलब्धियों से जुड़ी बुकलेट लॉन्च की गई, काम दमदार योगी सरकार का नारा देते हुए विकास के कार्यों का लेखा जोखा दिया गया। अयोध्या में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन, आज सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद शामिल होंगे। लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी, कहा पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था और विकास का बुरा हाल था। प्रबुद्ध सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा यूपी में कोरोना के दौरान सरकार का रहा बेहतर प्रबंधन, लॉकडाउन के दौरान नहीं हुई किसी की भूख से मौत। अखिलेश ने कोरोना को लेकर योगी सरकार पर किया था हमला, कहा था कोरोना काल में सब कारोबार बंद हुए, ऑक्सीजन के अभाव में हजारों जाने गए।
समाजवादी पार्टी आज से यूपी में गांव-गांव दलित संवाद की शुरुआत कर रही है। ब्राह्मणों के बाद अब अनुसूचित जाति के वोटर्स पर भी एसपी की निगाह। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए जनता की राय से अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी का फैसला, जनता से बात कर उनसे जुड़े मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, ट्वीट में लिखा योगी सरकार के दावों के ठीक उलट, यूपी में अपराध राज चरम पर। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने राजभर और ओवैसी की भागीदारी मोर्चे में शामिल होने से इनकार किया, कहा चुनाव को लेकर अभी कुछ तय नहीं किया है। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का बीजेपी को झटका, टीएमसी में शामिल हुए अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। टीएमसी में शामिल होने के बाद बोले बाबुल सुप्रियो, मैं बदले की नहीं अवसर की राजनीति कर रहा हूं, भावनाओं में आकर राजनीति छोड़ने की बात कही थी, टीएमसी में आने पर गर्व। बाबुल सुप्रियो को टीएमसी में शामिल कराने के बाद अभिषेक बनर्जी बोले ये तो सिर्फ शुरुआत है, बीजेपी के कई असंतुष्ट नेताओं की टीएमसी नेतृत्व से बातचीत जारी, बीजेपी बलून की तरह, उसके पास कोई सोच नहीं। बाबुल सुप्रियो के आने पर टीएमसी के बाकी नेताओं ने भी खुशी जताई। कुणाल घोष बोले बीजेपी के अंदर प्रॉब्लम, लोग वापस आना चाहते हैं, चुनाव से पहले बीजेपी ने जो दिखाया था अब उनकी देखने की बारी है। बीजेपी छोड़ टीएमसी में गए बाबुल सुप्रियो पर बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम का बयान, कहा बाबुल मामूली गवैये से ज्यादा कुछ भी नहीं थे, पार्टी ने उन्हें पद और सम्मान दिया, सेवा में नहीं, उन्हें मेवा में ज्यादा भरोसा है। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव पर अभिषेक बनर्जी का ट्वीट, लिखा ममता बनर्जी पर भरोसा रखें, बी फॉर भवानीपुर और बी फॉर भारत, बीजेपी भवानीपुर में भी हारेगी और भारत में भी। मिशन उत्तराखंड के तहत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज फिर उत्तराखंड का दौरा करेंगे, दोपहर 1 बजे हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद रोड शो में शामिल होंगे। उत्तराखंड दौरे से पहले केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा उत्तराखंड का युवा रोजगार के अभाव में पलायन करने को मजबूर, उन्हें उत्तराखंड में ही मिलना चाहिए रोजगार, ऐसे युवाओं से मैं बात करूंगा। गृहमंत्री अमित शाह ने एमपी के जबलपुर पहुंचकर उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की, कांग्रेस को भी घेरा, कहा कांग्रेस ने गरीबों से सिर्फ छलावा किया, पीएम मोदी ने सिर्फ वादे नहीं किए, जनता तक सुविधाएं भी पहुंचाई। बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को असम से और एल मुरुगन को एमपी से राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया, दोनों राज्यों के विधानसभा में बीजेपी को बहुमत हासिल। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन की खबरों को शिवसेना ने फिर से खारिज किया, सांसद संजय राउत बोले जो पार्टी शिवसेना को अपना दुश्मन मानती हो उसके साथ गठबंधन कैसे हो सकता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन, सुबह 11 बजे सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, दोपहर 12 बजे कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल। किसान नेताओं के साथ हरियाणा सरकार की समिति की आज होगी बैठक, हरियाणा से लगे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सड़क खुलवाने पर बात होगी। मध्य प्रदेश के भिंड में ओपन जिम के घटिया निर्माण को देखकर गुस्से से लाल हुए विधायक संजीव सिंह, विधायक के मामूली धक्के से ही धराशायी हो गया था पिलर, ठेकेदार और इंजीनियर को मौके पर लगाई फटकार। टेरर मॉड्यूल केस में संदिग्ध आतंकी शाहरुख को प्रयागराज पुलिस ने हिरासत में लिया, पहले सरेंडर के लिए पहुंचने पर घर भेज दिया था, शाहरुख के पोल्ट्री फार्म से एटीएस और दिल्ली पुलिस ने आईईडी बरामद किया था। आईएसआई के आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के दौरान प्रयागराज से गिरफ्तार जिशान के परिवार का दावा, जिशान किसी देश विरोधी गतिविधि में लिप्त नहीं रहा, कभी पाकिस्तान नहीं गया, सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। देश में आतंकी साजिश से जुड़े हुए मामले में हवाला के अंडरवर्ल्ड रैकेट का खुलासा, दाऊद इब्राहिम के हवाला नेट के जरिए 2 से 3 लाख रुपए और जिहादी नेट के जरिए पैसे भेजे गए थे। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में सुरक्षा बलों की घेराबंदी के बाद हथियार छोड़कर भागे आतंकी, 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद एसएसपी गुरिंदर पाल सिंह का तबादला, जीवी संदीप नए एसएसपी नियुक्त हुए, कुलगाम में परसों 3 घंटे के अंदर 2 आतंकी वारदात हुई थी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंक की कमर तोड़ी, इसी से बौखलाए आतंकी निहत्ते पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं, कुपवाड़ा में शहीद इंस्पेक्टर के घर जाकर श्रद्धांजलि दी।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,773 नए मामले सामने आए, 309 संक्रमित लोगों की मौत। अब तक 80,43,00,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक हाई लेवल मीटिंग की, मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की, मंत्रालयों के कामों के साथ परियोजनाओं पर ज्यादा फोकस करने को पीएम ने कहा। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में अभी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की कोई जरूरत नहीं। कई वैज्ञानिकों ने कहा प्राथमिकता ये हो कि अधिकतर लोगों को जल्द से जल्द टीके की कम से कम एक डोज लग जाए। पीएम मोदी ने गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों से किया संवाद, कहा वैक्सीनेशन में जो भारत ने किया वो कोई बड़ा देश नहीं कर पाया। वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड को लेकर कांग्रेस के सवालों पर पीएम मोदी का निशाना, कहा टीकाकरण के रिकॉर्ड से एक राजनीतिक दल को बुखार आया, इसका क्या लॉजिक है। राहुल गांधी ने देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर कहा और दिन भी 2 करोड़ वैक्सीनेशन होने का इंतजार। चिदंबरम बोले ऐसे वैक्सीनेशन के लिए रोज पीएम का जन्मदिन मनाया जाए। मुंबई के गणपति पंडालों में कोरोना के खतरे से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा टीके का संदेश, 7 रास्ता इलाके में पंचमुखी गणपति की मूर्ति के साथ पंडाल को वैक्सीनेशन सेंटर का रूप दिया गया। एमपी के बड़वानी में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन पर बड़ा आरोप, टीका नहीं लगवाने वाले परिवार के कई सदस्यों के राशन कार्ड जब्त किए गए, बिजली और नल कनेक्शन भी काटे, विवाद होने पर एसडीएम सफाई और जांच की बात करते दिखे। देश की न्याय व्यवस्था को लेकर सीजीआई एनवी रमन्ना का बड़ा बयान, कहा अदालतों में अब भी गुलामी के दौर वाला अंग्रेजी सिस्टम जारी, कोर्ट की कार्यवाही समझने में आम लोगों को होती है दिक्कत। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीईटी की परीक्षाओं का ऐलान, 16 दिसंबर को देश भर में आयोजित होंगी, 20 सितंबर से 19 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे। झारखंड के लातेहार में कर्मा विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से 7 बच्चियों की मौत हो गई, 6 बच्चियां की परिवार की थी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। राजस्थान के सीकर में भयंकर सड़क हादसा, NH-52 पर ठिकरिया के पास पुलिया से गिरी एक कार, 5 लोगों की मौत, सीएम अशोक गहलोत हादसे पर उन्होंने दुख जताया है। मुंबई के अंधेरी में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पुलिस कैंप की दीवार से टकरा गई, पास खड़ी 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कोई जख्मी नहीं। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में कुर्सी बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, हादसे में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। एमपी के राजगढ़ में भारी बारिश के बाद मोहनपुरा बांध के 8 गेट खोल दिए गए, बांध से छूटे पानी ने कई गांवों का बुरा हाल कर दिया, शहर की दुकानों तक भी पहुंच गया है पानी। रतलाम में उफनती नदी के पुल से बहते बहते बचा बाइक सवार, लेकिन बाइक को नहीं बचाया गया, भारी बारिश से रतलाम शहर का भी बुरा हाल। यूपी के मऊ में सरयू नदी के पानी से कई गांव में जमीन का कटाव जारी, फिर एक घर के पानी में समाने की तस्वीरें सामने आई हैं, हादसे से पहले ही निकल गया था परिवार। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग के पास पहाड़ से मलबा गिरने के बाद रास्ता हुआ बंद, दोनों तरफ गाड़ियों की कतार, कई लोग फंसे। बिहार में कटिहार में नाबालिग छात्रा के साथ गलत हरकत करने वाले हेडमास्टर की ग्रामीणों ने की धुनाई, मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी हेडमास्टर की जान बचाई। यूपी के उन्नाव में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, नदी किनारे बनाई गई अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया, 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की। अभिनेता सोनू सूद की मुश्किलें बढ़ी, आयकर विभाग ने बयान जारी कर 20 करोड़ की टैक्स चोरी की बात कही, 2 करोड़ के अवैध विदेशी दान और बोगस कंपनियों के जरिए लेनदेन का भी दावा किया। दिल्ली के बुराड़ी में एक युवक की डंडे से पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई, तमाशा देखती रही भीड़, वारदात के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के नरेला में भाई ने भाई की हत्या की, मृतक की पत्नी पर ही लगा बड़े भाई से अपने पति की हत्या कराने का आरोप, दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। यूपी के मुरादाबाद में अपनी भाभी की चाकू से गोद कर हत्या करने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार हुआ है, सब्जी काटने वाले चाकू से ताबड़तोड़ वार की, हत्या की वजह अब तक साफ नहीं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।